अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। पातुर का नया बस डिपो खंडर बन गया है, जो आवारा कुत्ते व शराबी और जुआरियों का अब अड्डा बन गया है, जिसकी ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सरकारी खजाने में करीब जनता की मेहनत खून पसीने की कमाई जमा होती है। इसी मेहनत की कमाई और लागत से राज्य व केंद्र सरकार नगर व शहर विकास का काम करती है। लेकिन आपको ले चलते हैं पातुर शहर के नए बस स्टैंड पर, जो लाखों करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ पातुर का ये नया बस स्टैंड कई सालों से वीरान और खंडर बना पड़ा है। अब इस बस स्टैंड की हालत बद से और बेकार हो गई है। पातुर का ये नया बस स्टैंड आज सिर्फ आवारा कुत्तों, सड़कों पर रहे आवारा मवेशियों और शराबी तथा जुआ खेलने वालों का अड्डा बनकर रह गया है। पातुर का ये नया बस स्टैंड इतना वीरान और खंडर में बदल गया है कि यहाँ पैसेंजर रात के समय गाड़ियों के लिए इंतजार करने का तो सोच भी नहीं सकते, दिन में भी यहाँ आने को डर लगता है। बस डिपो के अंदर चारों ओर वीरानी व जंगल जैसा माहौल है तथा हर वक्त सिर्फ आवारा कुत्ते, शराबी और जुआ खेलने वाले ही नजर आते हैं। इस बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधा नहीं है और ऐसा लगता है इस ओर किसी सरकारी या विभागीय अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर खड़े कुछ पैसेंजर से जब हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो तब उन्होंने बताया कि यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ गाड़ियों का इंतजार करते हुए खड़े रहने में भी डर लगता है, इसीलिए वो डिपो के बाहर रास्ते पर ही खड़े रहते हैं और गाड़ियों का इंतजार करते हैं। अकोला 24 न्यूज के लिए पातुर से नाजिम शेख की रिपोर्ट।